क्या नाम है आपका? निजीर। ओके, ये देखिए बहुत ही सुंदर है। इधर भी देखिए, पछता रहा तो नहीं ना यहाँ के? नहीं। ओह नो, ये लोग तो बोल रहे जिंदगी में कभी नहीं आएगा। दोस्तों लग गया चूना, ये देखिए मेरा गाड़ी टूट गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मार्क पाइन ब्लॉग्स। गाइस आज हम जा रहे हैं डेविड स्कॉट ट्रेल पे, जो कि पड़ता है मोफलंग पे, और शिलोंग से इसका डिस्टेंस है 27 किलोमीटर। लगभग आपको 50 मिनट लग जाएगा वहाँ पहुँचने में, और ट्रैकिंग जो कवर करता है 16 किलोमीटर। बहुत ही फन होने वाला है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है काउंटर। हेलो कॉन्ग, सो पर पर्सन हाउ मच? 20 ईच पर्सन पर है 20 रुपीज। ओके, सो दिस ब्रदर विल हेल्प अस to find the guide, right? What's your name? My name is Vaki. Vaki, yeah. Okay, nice to meet you, Vaki. Same to you too. Finally, we got the guide. Yeh hai guide aaj ka. What's your name? Yarab. Yarab. Okay, yeh hum log ko aaj guide karega wahan le jane ke liye. To guide ka bina aap log nahi ja sakte ye trekking mein, kyunki ulu ko achhi tarah pata hai aur bahut rasta ajeeb hai, to aap log ko guide to jaisa bhi zaruri padega. Aur yahan mein kya ho gaya? कुछ नहीं हुआ है। तो आप लोग एक्साइटेड हैं ट्रैकिंग के लिए? फर्स्ट टाइम? यस। जगह का नाम बताओ तो, कौन सा जगह है? क्या है? डेविड स्कॉट। ओके, सही पकड़ा। वाह वाह वाह। वाओ। हे। दिस इज टोनी। And this is Brett, volunteers, our handsome uncle. He's the leader. This is my breakfast for today. ठीक है, कहीं जाने से कुछ मत करो, हाँ जा तभी मत जाओ, और ग्रुप डिस्कशन इज गोइंग ऑन। दिस इज ग्रुप ए, सो आई मीन ए। वो देखिए ग्रुप क्या है, ये सी ग्रुप है, एंड दिस इज ग्रुप बी। तो हमें हो रहा है डिस्कशन, और यहाँ मेरा दिल टूट के है, जैसा जिस तरह ये शीशा टूटे मेरा दिल भी उसी तरह टूट के है। और पड़ गई है ट्रैकिंग, बहुत ही भारी, बहुत ही ज़्यादा भारी। ये था इसमें लक्की टूटे। तो सब यूट्यूबर को भी सजेशन, और जो वीडियो बनाते हैं उनको भी सजेशन है, जब भी ये सब करेगा थोड़ा ड्राइविंग करेगा ध्यान दो। मेरा ऐसा हाल होगा, नहीं तो हम थोड़ा एक्चुअली वीडियो उठाने के चक्कर में हमको एक्चुअली पार्क भी करना था, तो उस समय अगर टूट गया लग गया चूना, अभी बहुत बड़ा चूना लग गया। कितना दाम होता है इस, मैं कमेंट कर दीजिए। आप बहुत बोरिंग है, दिल तो बहुत, ये सीजन से ज़्यादा मेरा दिल टूटा है। आ जाओ आ जाओ, लॉक है ना, लेकिन भी फायदा क्या है, ये गाड़ी टूटने का एक फायदा होता है, पीछे में खिड़की नहीं होने का, फेंक दो। हाँ वही, सब अच्छा के लिए होते हैं। सो हम स्टार्ट कर चुके हैं अपने ट्रैकिंग को। अभी ये देखिए सब बहुत ही सब जोश में है, ये खाई कर रहे हैं सबका। अभी शकल देखिए बहुत जोश में, सब बहुत खुश में है, लेकिन थोड़ा देर के बाद सबका शकल देखने लायक होगा। जब पसीना पसीना निकल के जब शकल देखने लायक होगा, तब आप लोगों को उसमें शकल दिखेगा सबका। And last me. So let's talk to the guide. Hello brother. Hello. So where do you stay? No, starting point. Starting point only. What is the name of this place? Moflang. Moflang. So yeah, Moflang, and ये इसका जगह का नाम है, ये ट्रैकिंग पॉइंट का नाम है डेविड स्कॉट ट्रेल, और ट्रैक भी बोल सकते हैं ना। और यहाँ में और एक दो ब्लॉगर है, वीडियो बना रहे हैं, एंड यू कैन सी द व्यू। Really, it's really बहुत ही सुंदर है। वीडियो करने के चक्कर में हम बहुत पीछे रह गए हैं,
तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, वो लोग लेवल पहुंचने के लिए हम लोग दौड़ना पड़ेगा। मैं और टोनी दौड़ के आगे जा रहे हैं। सो आज जिम भी मिस है तो ये हमारा जिम भी हो जाएगा। ट्रेडमिल गाइस। अरे अरे कुछ भी शिट, यहाँ दो है। ओह नो, हाँ हाँ कहाँ जाऊँ, चलो नहीं चलो यार, मे भी ट्रैकिंग है ना, ऐसे होना चाहिए, ऐसे तो नहीं होगा। इसलिए गाइस गाइड के साथ में रहिए, नहीं तो आप लोग पछता सकते हो। हम लोग अभी हम लोग गलती हो गया उनसे, ख़त्म यही होगा। साउंड सुनाई दे रहे हो लगा हंसने वाला। हाँ बच गए रे, अच्छे अनक हम लोग गलत रास्ता ले लिया था, हम लोग फंस जाना था। और 1 2 3 गो गाइस, सी द व्यू, क्या सुंदर व्यू है। देखिए पाइन ट्रीज भरती है छोटा छोटा, और ये देखिए कितना छोटा पाइन ट्री, वाओ व्हाट अ ट्री। हम मिल चुके हैं, यहाँ क्या चल रहा है, व्यू पॉइंट और बात। अभी थक गया कितना जल्दी, हम लोग ये करने गया था। अरे सुंदर है तो मेरा के लिए क्या, आप ले लो, जबरदस्ती ले लेते लो, पकड़ो नहीं चाहिए हमको। क्या हो गया, काटा घुस गया दिखेगा। नाजुक कली लोग ऐसे ही होते हैं, इसलिए बोलते हैं थोड़ा ट्रैकिंग कीजिए बीच बीच में, लाइफ में ट्रैकिंग साल में एक बार करना चाहिए, तब जाके आप भी स्ट्रांग होगा। देखिए रास्ता भी काफ़ी प्रॉपरली मेंटेन करके रखा है, पत्थर मजा से देख के रखा है, नेचुरल वही बोल सकते हैं आप लोग। हो गया यहाँ में शुरू हो चुका है, ये है फर्स्ट रेस करने वाला पर्सन, लास्ट नहीं 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 फर्स्ट वाला है ये जो अभी रेस कर रहे हैं, शुरुआत हो चुका है इसका। और ये दोनों को रुपया होते हैं, कैसा लग रहा है सोफा, थक गया सोचा था इतना मजा नहीं आ रहा जगह देख के, लेकिन अभी जो मैं जगह में हूँ ना काफी सुंदर है, देखिए वाओ सीरियसली। देखिए मुझे सिर्फ नेचुरल आवाज से सुनाई दे रहा है, देखिए झरना का जो आवाज़ है काफ़ी सुंदर है, और ये देखिए वहाँ से पानी निकल रहा है बहुत ही सुंदर है। वन टू थ्री गो गाइस, ये देखिए देखिए क्या मजा आएगा यहाँ नहाने के लिए, वो देखिए और ये देखिए पहाड़ काफी सुंदर है, मजा आ गया गाइस मजा आ गया। तो इसलिए बोलते हैं ट्रैकिंग जाना बहुत ही जरूरी है, और ये आप जो भी अभी तक ये डेविड स्कॉट ट्रायल में जो भी नहीं आया है आप लोग आइए विजिट कीजिए, बहुत ही मजा आएगा, वर्थ टू विजिट। वो देखिए काफी सुंदर है, जिसको नहाने मन है यहाँ आके नहा सकते हैं, स्पेशली फॉर द बॉयज। बॉयज आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ में नहाइए आके, क्या 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 वो मछली, यहाँ फिशिंग करने के लिए मजा होगा। सो अरुणाचल का ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लेडीज लोग यहाँ है, देखिए सब पोज दे रहे हैं। क्या नाम है आपका, निजीर, ओके ये देखिए बहुत ही सुंदर है, इधर भी देखिए सुंदर व्यू के साथ आप सुंदर लड़की लोगों को भी देख सकते हैं, कमेंट कीजिए कौन सबसे सुंदर है। एक घंटा में आप मत घुस जाइए गलती से भी। वाओ तो काफी काफी मजा आ रहा है। हेलो हाय, कैसा लग रहा है अभी तक सोफा, ये बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हम लोग का, अभी ये एक
एक घंटा जैसे तो चल चुका है ना। सबसे बढ़िया चीज है कि हम जितना भी दोस्ती आ रही है सब साथ में मिलके ऐसा ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, तो जो ये मोमेंट है ये मेरे लिए बहुत यादगार रहेगा। ओके थैंक यू। तो इसी तरह आप ग्रुप में आइए, मजा आता है। ग्रुप में जाने का भी अलग ही मजा है, सोलो ट्रैकिंग भी अलग ही मजा है। तो यहाँ का व्यू और यहाँ का जो हवा आ रहा है बहुत ही मजा है। जो देखिए नज़ारा है, कितना मज़ा है। ये पानी का आवाज़, वाह, नेचर के साथ बैठना कुछ अलग ही मज़ा है। सो हम आधा रास्ता पहुंच चुके हैं और मालूम नहीं यहाँ से कहाँ जाएगा, लेकिन अभी हम लोग का लंच टाइम है तो ये मेरा बैग में पूरा लेके आया अभी। तो यहाँ में हम लोग देखिए ग्रुप ग्रुप करके खा रहे हैं सब। तो अंकल क्या लाया पता नहीं, टोनी भी क्या लाया पता नहीं, मेरे यहाँ में तो बहुत चीज़ें। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए हमारा पोर्क, ये भी पोर्क है, पोर्क लवर ज़्यादा है, और ये चिकन, और यहाँ में बैम्बू, ये लोकल बैम्बू है, ये लेमन, प्याज, स्क्वाश भी अंकल का हमें, टोनी भी खा रहे हैं, ये अंडा के साथ। तो अभी हम शुरू करते हैं लंच को। तो जंगल में ऐसा खाने का कुछ अलग ही मज़ा है। ये है पोर्क जो कि फेवरेट है। ये अंकल लाया था और ये मेरा बेम्बू शूट के साथ। वाह नाइस। अगर भूख लग गया तो आप लोग भी खाना खा लीजिए वीडियो देख देख के। ये चढ़ाई में हालत खराब हो चुका है, सिर्फ मेरा नहीं हम सभी का। वहाँ देखिए मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। शक्ल जूम करके दिखाने मन हो रहा है, शॉर्टकट करेगा तो ऐसे करेगा। अरे इसका पास बहुत जोश है अभी, ये तो गिरने वाला था। सबको शॉर्टकट जाने का बहुत उतावला था, इसलिए शॉर्टकट जाने के चक्कर में हम लोग चढ़ चढ़ के जा रहे हैं। लेकिन मुझे मजा आ रहा है क्योंकि पसीना निकाल रहे है, तो मजा आ रहा है। कैसा लग रहा है? नंदी समय बहुत अच्छा था, अभी उठते समय हट रही थी बोल। अरे टिश्यू भी लेके आए ना। ट्रैकिंग में छाता, गुड, सो मच केयर अबाउट द स्किन गाइस। ये लोग तो यहाँ में, अरे हम भी गिरने वाला था। हाँ ये लोग भी यहाँ में रुक गया, हालत खराब है और मेरा भी हालत खराब हो चुका है, बहुत ज़्यादा ही ऊँचा है, आधा घंटे चल रहा है नहीं पहुँच रहा है। गिव अप? नहीं, ये लोग गिव अप करने वाले एक्चुअली। पछता रहा तो नहीं ना यहाँ आके? नहीं, ओह नो, ये लोग तो बोल रहे ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, मतलब समझ रहे ना आप लोग कितना तकलीफ है, लेकिन इतना भी तकलीफ नहीं है।
Gang fight about to happen. Chalo chalo chalo. Come on. वो देखिए एक बंदर है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये क्या गिरा रहा है बोलने से, ये फ्रूट्स है। ये देखिए खरीद करके इतना ज्यादा हो चुका है हम लोग। ये बहुत तेंगा होता है, आपको देखिए पहले भी खा के दिखाया था हम लोग। आइए आइए ले लीजिए। हाँ बहुत तेंगा है, ये खाओ तो एक्सप्रेशन देखिए खाने का। खाओ तो ये खा के देखो तो एक्सप्रेशन देखिए। जल्दी जल्दी मेरा स्पेस बहुत कम है। चलो ये लोग तेंगा को चेंज चेक करते हैं बिना एक्सप्रेशन बना के। चलो वाह खाए ये अब इतना मन से खा रहे लोग। अभी बढ़ते हुए माओखान व्यू पॉइंट की ओर, वहाँ पे बहुत ही रेस्ट किया हम लोग और इसलिए अभी थोड़ा एनर्जी वापस आ गया लग रहा है। दोस्तों देखिए यहाँ आलू का बागान ही बागान है, उधर बहुत ही सुंदर। क्या है वो, क्यों तोड़ रहा है? ये तेंगा खाने वाला है। खा के दिखाओ तब तो। नहीं मतलब हमको प्रूफ चाहिए। ये खाने लायक नहीं है, ये बस गो है लाइक गुड्डा। नहीं नहीं तब तो आप झूठ बोला हो। ओके तब तो खा के तो नहीं दिखा रहे इसलिए हम विश्वास नहीं कर सकते। जब तक आप नहीं खाएगा हम तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। तब तो ट्राई करो जस्ट। ओ ट्राई किया मतलब, तब तो ठीक है कि ये खा सकते हैं। ये बुड्ढा हो गया, बुड्ढा हो गया ना। अच्छा वो देखिए पाइन ट्रीज का बीचों बीच से हम लोग निकलते हुए, काफी मजा है। वो देखिए आलू। सो वी हैव रीच्ड द व्यू पॉइंट, लेट मी शो यू गाइस। ये देखिए वाओ। तो हम फिर अभी थर्ड लोकेशन में आ चुके हैं, सब आसपास ही है। तो ये देखिए यहाँ में इंफॉर्मेशन, यहाँ में गेट है। तो अभी हम लोग ये देखिए आसपास का व्यू भी बहुत सुंदर है। और यहाँ का जो टिकट काट रहे हैं 28। सो हम लोग पहुंच चुके हैं मोफलांग सीक्रेट फॉरेस्ट। ये बहुत ही ये लोग का ट्रेडिशनल फॉरेस्ट है, इसके बारे में अच्छे से मुझे पता नहीं है। कुछ पता है, इन्फॉर्मेशन है कुछ? बोलो ना कुछ पता है। वो लोग बोले कुछ पता वता कुछ भी मत रो बोल के, रो के मत ले जाओ बोले। ओ, तो ये फॉरेस्ट में आने से आप लोग यहाँ से पत्ता जो भी हो, फूल का पत्ता हो, कुछ भी चीज़ आप लोग मेरे ले जा सकते हो। तो ये लोग बहुत ये बिलीफ है यहाँ का लोकल पीपल लोग का। तो ये देखिए काफ़ी सुंदर है और काफ़ी टूरिस्ट भी आ चुके हैं यहाँ। नए होंगे तो आप यहाँ से हेल्प डेस्क से मदद ले सकते हो। ये देखिए मौसम भी काफ़ी अच्छा है और हम लोग बहुत थक गया था लेकिन भी अभी बहुत फ्रेश फील कर रहा है। ये हवा काफ़ी फ्रेश है, देखिएगा सकल ठीक है ना, फ्रेश है एकदम, सब फ्रेश है, काफ़ी सुंदर। देखिए खुला आसमां। तो यहाँ में आने से क्या है बोलने से, यहाँ में जगह बहुत खुला हुआ है, खुला आसमान है, तो रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा जगह है। तो मैं चला रिलैक्स करने। सो गाइस हो चुका है पूरा
घूम के ट्रैकिंग हो गया, व्यू पॉइंट देख लिया और ये सीक्रेट फॉरेस्ट में भी देख लिया, तो काफ़ी मज़ा था, अच्छा है, रिकमेंड करता हूँ आप लोग आके यहाँ एंजॉय कर सकते हो। ट्रैकिंग तो बहुत ही मज़ा था, वहाँ डुबकी लगाने और मज़ा आएगा। तो हम लोग पूरा कंप्लीट तो नहीं कर सके ट्रैकिंग, बिकॉज कोई कोई लोग का प्रॉब्लम हो गया था, तो हम लोग आधा करके वापस आ गया। तो जो भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब ठोक दीजिए एंड डू शेयर द वीडियो, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, टिल देन गाइस बाय बाय, जाइए आप लोग।